अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब भाई कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। ले दोस्तों, मैं गया हुआ था तो साजिद भाई ने सुबह बच्चे उड़ाए थे तो वीडियो नहीं बनाई साजिद भाई ने, तो अभी मैं आया हूँ तो मैंने कहा अपने दोस्तों से छोटी सी वीडियो बना के शेयर करता हूँ। दोस्तों माशाल्लाह ये देखें, ये बच्चा हमारा बैठ रहा है, 9:30 बजे उड़ाया था। ये साबर भट्टी वाला बच्चा है, सुरखा बच्चा। ये देखें ज़रा, अभी ये आता है नीचे बैठता है तो इसका शौक भी करवाते हैं आपको। तो एक ये बच्चा किधर है, ये है वो बैठा ऊपर ही अभी ढका नहीं है। वो देखें, एक ये बच्चा है, ये अभी बैठा है माशाल्लाह। बड़े बच्चे, हाँ जी, ये खान साहब के घर का है माशाल्लाह। बच्चे काफ़ी गिज गए हैं। ये देखें दोस्तों, ये आ रहा है, 9:30 बजे उड़ाया था। ये देखें, ये फिर रहा है ये चील के पास। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे घरों में बैठ रहा है। तो इसी तरह शौक का सिलसिला जारी हो सारी है, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्तों अपने भाइयों को ना इंशाल्लाह जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनको चेतर में अच्छा शौक दिखा सके। बच्चों का पूरी कोशिश है। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा, और जितने भाई चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक उस्ताद जी है ना, जो साजिद भाई, इनका एक शागिर्द ख़ास आया हुआ है जी, हमज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो? ये हमज़ा भाई जो है ना, ये बहुत पुराने शागिर्द हैं इनके, सबसे पहला शागिर्द। हाँ जी, ये सबसे पहला शागिर्द है। इसको खलीफा बनाना था लेकिन ना ये खलीफा बन नहीं सकता, शौक कभी करता है कभी छोड़ देता है बीच में, इसलिए ना हमने नहीं। और ये माशाल्लाह हमारे भाई आए हुए हैं, अजीम भाई। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये माशाल्लाह, ये आपको पता है दोस्तों, ये सामने अजीम भाई ने ना बस छोटा सा अपना शौक रखा हुआ है, वो उधर आपको पता है। जब ये चढ़ते हैं, ये देखें ज़रा किधर है, ये देखें दोस्तों, ये बच्चा ये बैठ रहा है, ये देखें, ये सुरखा बच्चा है साबर भाई के घर का। ये देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे घरों में बैठ रहा है, 9:30 बजे उड़ाया था। ये देखें, ये है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। लो जी साबर भाई है, वेख लो जी ताड़ा बच्चा सी गजा भी लिया, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे घर च बह रहे। अल्लाह पाक दी जिंदगी रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे, इंशाल्लाह अच्छा शौक होएगा। ये देखें जी, वाह 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 वाह, तेरिया खेडा बिच मैदान दे, ऐ देख जरा तेरिया खेडा बिच मैदान दे, वाह वाह सुरखिया। ये देखें दोस्तों, इससे पहले ज़रा आधा एक घंटा पहले ये बच्चा बैठा है, ये वाला बच्चा, ये रहा इधर गया। ये देखें दोस्तों, ये आ रहा है, ये देखें, ये देखें, वाह ये देखें। ये साबर भाई ने हमें 4 बच्चे गिफ्ट दिए थे, उनमें से एक बच्चा है। ये देखें, ये आ जा भाई, आ जा किधर है, ये रे दोस्तों, ये आ गया, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। दोस्तों जितने भी दोस्त चैनल पे न्यू हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, आप लोगों के शौक के लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह मोहब्बत देते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा शौक दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, ये देखें, दोस्तों जिन्होंने मेहनत की होती है ना जोड़े बनाने में, तो जोड़े ऐसे ही नहीं लग जाते। कितनी मादियां तोड़ के, कितने नर लगा के साथ, तो गारंटी वाले जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो फिर इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं। तो बड़ी मेहनत होती है, बच्चे भी बड़ी मेहनत से पलते हैं, और उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यार जो हमसे प्यार करते हैं, हमें गिफ्ट दे के जाते हैं। इस तरह कौन अपने घर से बच्चे पलवा के देता है। तो माशाल्लाह जैसे कि आपको पहले भी बताया था, ज़हूर खान साहब ने भी हमें माशाल्लाह 15 बच्चे गिफ्ट किए थे, उनके भी बच्चे अभी एक बच्चा उनका बैठा है और एक तकरीबन कोई 1:30 बजे बैठा था, तो अभी थोड़े से गिजे हैं दोस्तों, सारे नहीं निकालने हैं हमने। ये देखें ज़रा बच्चा, सारे नहीं निकालने हैं हमने बच्चे, लेकिन ना 6-7 बच्चे गिजे हैं, उनमें से माशाल्लाह 4 बच्चे बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी जारी है, कोई 10 बच्चे हमारे पास बन गए ना तो इंशाल्लाह चेतर में ना बच्चों का कप उड़ाना है, अपने भाइयों को शौक दिखाना है। ये देखें दोस्तों, ये बैठ रहा है बच्चा जी। साजिद भाई आपको कैसा लग रहा है जी? जी बड़ा मजा आ रहा है, यकीन कर। अच्छा जी, सुबह का आया हूँ मैं 7 बजे का। अच्छा जी, तो ये देख लो आप टाइम, देख लो बच्चा ये 12 बजे आया पहले बच्चों के साथ, फिर अच्छा। पलट गया दोबारा। मैं अगर राशिद भाई बच्चा ही ना, मैंने आपको फोन किया, आपने मुझे कहा साजिद भाई मैं आ रहा हूँ, बस आप आते आते आप आयो।
तो मेरे वीडियो भी नहीं बना सका। देखें फिर ऊंचा हो रहा है बच्चा थोड़ा सा ना, मेरा बेटा बैठ जा बस कर, थोड़ा सा दाना दाना डालो ना थोड़ा सा। तो ये जो है ना, ये हमारे अजीम भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, आपको इंशाल्लाह हमारी छत पे शो करते नज़र आएंगे। बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं ये दोस्तों, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कबूतरबाजी का। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जो जितना भी है ना इनसे फ़ायदा ले सकें। ये मियां वाली के बहुत मशहूर कबूतरबाज रहे हैं जी, हमारे उस्ताद भी हैं ये, जिस तरह हमारे उस्ताद हैं, हमारे उस्तादों की तरह यार, जितने भी उस्ताद हैं हम उनकी। ये देखें दोस्तों बच्चा फिर ऊंचा हो गया, ये तकरीबन ना कोई 1:30 बजे का ऐसे सामने लगा हुआ है बच्चा, ये देखें। तो जिस तरह हम अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं, उन्हीं उसी तरह हम अपने अजीम भाई की भी इज्जत करते हैं। अजीम भाई आप उस्ताद साजिद के साथ मिलके शौक करेंगे जी छत पे? इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। तो पूरा पूरा हमारा साथ देना है आपने, और इंशाल्लाह आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कबूतरबाजी की। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें जी। तो माशाल्लाह आपने मजूने शजूने तैयार कर लिए हैं जी अगले बसात के लिए? बताओ। ओके ओके हो गया। हो गई है जी। इसी तरह आपने ना बस ये देखें दोस्तों, बच्चा फिर ऊँचा जा रहा है, ये देख ये फिर रहा है माशाल्लाह। हाँ जी बस है ही रह गया है। वो देखें दोस्तों, ये जो बच्चा है ना, ये अभी थोड़ी आपको आधे पौने घंटे पहले बैठा है, जिसको ये बंद कर रहे हैं। ये वाला के घर का है, खान जी के घर की पीपनी है, वही है। नहीं पीपनी नहीं है, ये जोनसरा बच्चा है। जोनसरा बच्चा है। तो ये जो बच्चा अब ऊपर से आ रहा है, ये साबर भाई के घर का है जी, साबर भाई के घर का, शाहिद पट्टी साहब, जो उस्ताद शाहिद पट्टी साहब है ना, उनके घर का ये बच्चा है। ये देखें माशाल्लाह फिर ऊंचा हो गया, अपनी मौज में फिर रहा है, विच मैदान दे खेलता पिया उस्ताद जी। है देखो जरा विच मैदान दे मौजा लै रहा है। क्यों जी हमजा भाई, हमजा भाई काफ़ी दिनों बाद आए हो, किधर आजकल गायब हो, क्या मसरूफियात है आपकी? भाई मैं ना जरा जॉब पे बिजी होता हूँ, आज छुट्टी थी तो आज के मैंने कहा अपने साजिद अली शाह के पास जाके शौक करते हैं। बड़ी मेहरबानी जी आप आए, लेकिन पहले आप में काफ़ी जज्बा नज़र आता था बाजियों के दौरान। अब भी इंशाल्लाह जज्बा नज़र आएगा, बस आपकी बाजियाँ जब आएंगे ना हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी जी। ये ऐसे ही है, लेकिन आप ट्रेनिंग में ना टाइम दे रहे हैं ये तो बात नहीं है। आपका उस्ताद अकेला लगा हुआ है, मुझे बीच में फंसाया हुआ है यार। नहीं नहीं टेंशन ना लें कप्तान जी आप जी, इंशाल्लाह जब हमारा बाजियाँ लगेंगी, दोस्तों को शौक दिखाएंगे, आपको हमजा भाई इधर ही नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहनती इंसान है यार, बड़ी मेहनत करते हैं। साजिद भाई बड़ा खुश है, यकीन करें तो आपका प्यार हमारे मोहब्बत ऐसे ही रहे। तो इंशाल्लाह साजिद भाई आपको देखो जितनी मेहनत की, मेरे पहले बड़े जानवर मरे, फिर भाइयों ने मुझे जानवर दिए। ये देखें तकरीबन ये 8-10 दिन से ज्यादा नहीं हुए, जितने भी बच्चे हैं टोटल 8-10 दिन है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें रिजल्ट आपके सामने है। ये बच्चा आपके सामने बैठ रहा है दोस्तों, इससे पहले भी 2 बच्चे बैठे हैं, 1:30 बजे बैठा है, 1:45-2 बजे बैठा है, ये देखें। तो ये अल्लाह पाक की मेहरबानी, आप सब भाइयों की दुआएँ हैं यार, कि इसी तरह देखें 8-10 दिनों के बच्चे हैं जो छत पे आया हुआ, उसकी परफॉर्मेंस देख लें आप। ये तीसरी मरतबा बच्चा उड़ा है, ये देखें, और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सामने फिरता है, डर टेंशन नहीं रहती उस्ताद जी, सामने फिर रहा था बच्चा। हाँ जी लाल आँखों का। तो यकदम अगर बच्चे नए बच्चे हो, बंद बुंद हो जाए ना, तो टेंशन पड़ जाती, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो इसकी ये देखें जरा रौनक लगी हुई है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। ये देखें दोस्तों कबूतर ही कबूतर, और उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे प्यार करते हैं, हमें गिफ्ट करते हैं। ये देखें कबूतर ही कबूतर हैं, इंशाल्लाह आप सब भाइयों का प्यार चाहिए, इंशाल्लाह आपको चेतर में ज़रूर शौक दिखाएँगे बच्चों का। तो कोशिश करेंगे कि किसी भाइयों का शौक हो रहा हो चेतर में बच्चों का, तो कोशिश करेंगे एक आधा प्यारा भी खेल लें, वरना जो बच्चों की एंट्री है ना कप की एंट्री है वही कराने इतने ही होएगा उस्ताद जी। नज़र रखो ये देखो जरा, ये बड़ा इधर रोल है दोस्तों, ये देखो ये देख रहे हैं चीले, वो बच्चा बैठ रहा था, चीले आई हैं, फिर ऊँचा हो गया, लंबा हो गया। ये देखो चीले बहुत तंग करती हैं, क्योंकि अभी ना मौसम इस तरह का, चीलों ने ना अंडे बच्चे निकाले हुए हैं, तो शिकार के तलाश में फिरती हैं। किधर है ये आ रहा चीनों में, ये देखें दोस्तों फिर ऊंचा हो गया बच्चा, ये आया, ये आया, मेरा बेटा बैठ जा आज सारी यार पूरी करनी है। ये रहा बच्चा,
फिर ऊंचा हो गया ये देख के। साथ जी हुन इनू ना जरा दो के दिन रोक लेना ताकि मेहरबानी राम राम से लेके आने बच्चे हां इनू ऐ ना होवे कि खोलदा जावे ते जाया हो जावे। जाहिरी गल है रूटीन ना उड़ेगा ते फिर उन्हें अपनी उडार वधानी है घटानी ते नहीं। ये देखे दोस्तों अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकता हूँ दोस्तों, जब बच्चा नीचे आएगा ना फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं बैठते हुए बच्चा। तो ज़रा मैं थोड़ी सी वीडियो ना रोकता हूँ, दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं। बटन लगा अभी ना जी दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं दोस्तों। इस वजह से वीडियो रुकी थी कि हमारी कोशिश थी यार के साबर भाई का बच्चा है उनको ज़रा बैठता हुआ दिखा दें, लेकिन बच्चा ना दोस्तों फिर हिट कर गया। एक घंटा तकरीबन वीडियो रुकी रखी है तो बच्चा ना फिर हाइट पकड़ गया। अभी आता है सामने तो आपको दिखाता हूँ, ये देख लें दोस्तों, ये टाइम देख लें अभी। ये सिर्फ हम साबर भाई के लिए वीडियो बना रहे हैं, 4:19 हो गए हैं तो तकरीबन सामने 12-1 बजे का ही बच्चा सामने फिर रहा है। तो इस वजह से वीडियो रुकी थी, हमने कहा चलो बैठते हुए दिखा देंगे। किधर है जी? ये देखें जी, ए दोस्तों ये है बच्चा, ये अभी भी उसी जगह पे फिर रहा है। ये आया, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बच्चा फिर रहा है, अपनी लहर में है। इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है बैठ जाएगा। तो हम सिर्फ ये वीडियो इस वजह से बना रहे हैं ये बच्चे की बैठते हुए यार दिखाएं साबर भाई को, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जिन्होंने बच्चा दिया होता है ना जिसके घर का है उनको भी माशाल्लाह देखते के ना फिर खुशी होती है, क्योंकि वो अगले जो बच्चे गिफ्ट करते हैं ना वो रिज़ल्ट चेक करने के लिए बच्चे देते हैं। देखें दोस्तों माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर है, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है यार, अल्लाह पाक ने रौनक लगाई हुई है। तो इंशाल्लाह अभी फिर मैं वीडियो रोकूँगा क्योंकि ये बच्चे की ना वीडियो बनानी है पूरी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जब बैठेगा फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे। तब तक आपको ना उस्ताद अजीम से मिलवाते हैं जी, माशाल्लाह चनियोड़ से आए हैं हमारे लिए 4 बच्चे गिफ्ट लेके आए हैं। उस्ताद जी ये जो बच्चे लेके आए हैं आप, ये प्योर लेके आए हैं जोड़ों के लिए? तो अजीम भाई ने हमें कहा यार ये बच्चे आपने उड़ाने नहीं हैं दोस्तों, इंशाल्लाह कल शोक करवाएंगे, अभी ना ऊपर छोड़ दिए हैं बच्चे, इस वजह से शोक नहीं करवा सकते। तो अजीम भाई आपकी माशाल्लाह नामवर ब्रीड है उधर की, तो आप प्योर लेके आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया यार कि आप अपने घर से बच्चे लेके आए हैं। और दोस्तों ये देखें ज़रा हमना इधर, आपको पता था ये काम करना था, पल्ले पुल्ले लगाने थे, बिल्ली का रास्ता बंद करना था। ये देखें हम भाई जितनी गुंजाइश थी हमने अपने पास से ही सारा कुछ करना होता है, तो अपने इतने वसाइल नहीं है यार जितने जोगे हैं भाई, अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करना होता है। तो पहले लोहे का सोचा था बनाना, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, 30,000 मजदूरी मांग रहा था, 50,000 रुपये का सामान आ रहा था, तो काम ये देखने में कुछ भी नहीं था। एक इधर दरवाज़ा लगाना है, इधर पल्ला लगाना है ताकि बिल्ली का रास्ता बंद हो जाए, एक पीछे लगाना था पल्ला, और ये आगे ना तकरीबन कोई इतना 4 फुट का विड बनाना था ताकि ये गेज है ना इधर हम गिजे वाले बच्चे हैं जो छोड़ के अपने सेफ कर सकें। तो ले दोस्तों अभी वीडियो को फिर रोकते हैं, आपको अभी टाइम दिखाया था, जब बच्चा बैठेगा फिर इंशाल्लाह आपको टाइम दिखाएंगे। अभी फिर रहा तो थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकते हैं, तो फिर दोबारा मिलते हैं। ले दोस्तों ये देखें जी बच्चा माशाल्लाह करीब आ गया, ये देखें जरा हम ये सिर्फ वीडियो बना रहे हैं इस बच्चे की स्पेशल इसलिए ताकि ना जो साबर भाई हैं ना वो अपने इस बच्चे का रिजल्ट देख लें जी। ये जो सुरखा बच्चे हैं उनका, ये देखें जी ये आ गया, ये बैठ रहा है जी, 4:30 का टाइम है, ये देखें ये बच्चा बैठ रहा है जी, सुरखा बच्चा उनका, सुरखा ते मुड़ सुरखा है ना उस्ताद जी, सुरखा ते मुड़ सुरखा है ना। ऐ देखो जरा ए बिच मदान दे रौनक लाइया है सुरखे ने माशाल्लाह। ले दोस्तों इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है यार, 8-10 दिन के बच्चे हैं ये हमारे पास, ये जितने बच्चे हैं 8-10 दिन के बच्चे हैं हमारी छत पे, और परफॉर्मेंस आप देख लें। तो इसी वजह से ना उस्ताद साजिद मेहनती हैं यार, मेहनत करते हैं, इस बात से मैं भी मानता हूँ अपने भाई को कि भाई ये मेहनत बहुत करता है, इसने सब कुछ अपने शौक़ के लिए छोड़ा हुआ है, अपनी वर्कशॉप बंद की हुई है सिर्फ शौक़ के लिए। तो ये देखें जो जो भी है ना मेहनत करता है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको सिला ज़रूर देता है, चाहे किसी काम में भी मेहनत करे, शौक हो चाहे काम हो किसी काम में भी। ये देख लें 8-10 दिन के अंदर माशाल्लाह साजिद भाई ने ना 4-5 बच्चे ऐसे गुजा लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारा कोई बच्चा ज़ाया नहीं हुआ, ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, आराम आराम से छोड़ रहे हैं। ये देखें दोस्तों ये बच्चा है, एक तो छत हमारी छोटी है ना, इतनी जगह नहीं है, तो इस वजह से
इधर जब आता है ना इधर से रिकवरी मिलती है। ये देखें ये फिर रहा है, ये देखें लो जी साबर भाई ये आपका बच्चा बैठ रहा है सुरखा, ये देख लें 4:30 का टाइम है। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, ये आ गया जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, लो जी उस्ताद जी बहुत बहुत मुबारक हो, खुशी हो रही सानू भी। ये देखें दोस्त, ये देखें जरा ये बच्चा, ये देख लें जी साबर भाई, ये आपका बच्चा माशाल्लाह 4:26 पे बैठा है। ये टाइम देख सकते हैं ले दोस्तों। इसी तरह हमें दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। साजिद भाई आपको अच्छे से अच्छा शौक दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें दोस्तों ये बच्चा है जो अभी बैठा है, 4:30 / 9:30 उड़ाया था, ये देखिएगा। कल इंशाल्लाह सुबह आपको इसका शौक करवाएँगे, अभी ये बैठा हुआ है। तो आपका भाई राशिद आपसे इजाज़त चाहता है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह। जी उस्ताद जी आप हमारे व्यूवर को सलाम दुआ देते हैं, फिर इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं। नहीं जी हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई उस्ताद जी दोस्तों साजिद भाई आज माशाल्लाह खुश है, अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक ने मेरा कबूतर आज बच्चे पूरे माशाल्लाह पूरे कर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। ऐसे ही दोस्तों को शौक दिखाते रहेंगे, ऐसे ही दोस्त मेरे साथ जुड़ते रहना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।